नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजी नीड्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर टू हाई स्पीड कॉपियर, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे, PIS। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक रिजल्ट हुआ घोषित। कूचबिहार में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुआ संघर्ष। लोकसभा चुनाव का हलचल, एनडीए व विपक्ष की बैठक आज। रायगंज की छात्रा कमेलिया ने माध्यमिक परीक्षा में हासिल किया तीसरा स्थान। एग्जिट पोल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी बेचैनी। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। पश्चिम बंगाल माध्यमिक रिजल्ट हुआ घोषित। 86.07% विद्यार्थी हुए पास। मोहम्मद देशोप्राण विद्यापीठ के छात्र सौगात दास ने 694 अंकों के साथ किया टॉप। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज अपने रिजल्ट की घोषणा की है, जबकि माध्यमिक परीक्षा का आयोजन बोर्ड ने 12 से 22 फरवरी के बीच किया था। रिजल्ट घोषित करने से पहले बोर्ड ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। माध्यमिक रिजल्ट में कुल 86.07% छात्र पास हुए हैं। वहीं पूर्वी मिदनापुर का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। इस जिले में 96.01% छात्र पास हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कोलकाता रहा, जहां 92.13% छात्र पास हुए हैं। पूर्वी मिदनापुर के मोहम्मद देशोप्राण विद्यापीठ के छात्र सौगाता दास पहले स्थान पर रहे। इन्हें 694 अंक मिले हैं। 691 अंकों के साथ अलीपुरद्वार की श्रेयस पाल और देवस्मिता शाह संयुक्त रूप से दूसरे और 689 अंकों के साथ नदिया की रहने वाली छात्रा कमालिया राय और छात्रा ब्रतीन मंडल संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी है हिंसा का दौर। कूचबिहार के दिनहाटा के सीताई में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच हुआ संघर्ष। 4 लोग हुए घायल, दुकानों में लगाई गई आग। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान तो हिंसा देखने को मिली ही थी, चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात उत्तर दिनाजपुर के कूचबिहार के दिनहाटा के सीताई में भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई है। गोली चली है और दुकानों में आग भी लगा दी गई है। झड़प में दोनों पक्षों से करीब 4 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनको कूचबिहार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कूचबिहार लोकसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी निश्चित प्रमाणिक ने बताया कि सीताई के तृणमूल विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया के सहयोगी ने भाजपा समर्थकों पर हमला किया है। उनका आरोप है कि AK-47 राइफल से गोली भी चलाई गई है, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। साथ ही आरोप है कि कई भाजपा कर्मियों की दुकानों में भी आग लगा दी गई है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक संगे बाजारे जाचेछिलाम, तृणमूलेर हानात बाहिनीरा आमादेर तीनजनके देखे पीछने धावा करे। ओरा आमाके बास दिए माथाय बाड़ी मारे, माथा आमार फेटे जाय। एकजनके दुटो गुलि करे एबं आरेकजन সেখান থেকে পালিয়ে নদীতে লাফ দেয়। এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি কোথায় আছে। তারপরে আমরা পালিয়ে সেখান থেকে আমাদেরকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে হসপিটালে ভর্তি করা। रायगंज गर्ल्स स्कूल की छात्रा कामेलिया राय ने माध्यमिक परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल कर शहर और जिले का नाम रोशन किया है। 699 अंकों के साथ कोमल कुमारी का पूरे राज्य स्थान पर थर्ड आई है और इसके उपलब्धि पर माता पिता और शिक्षक काफी खुश है तथा बधाई देने वालों की तांता लगातार जारी है। आमी माने ओके शुद्ध एटुकु सब समय बोलतम जे तोर खाता जदि ठीक मतो जजमेंट हय तुई अवश्यई थाकबी। एखन एके दुए ना तीने कतते थाकबी जानि ना, किन्तु तुई थाकबी एटुकुके सब समय बोलतम। ও ওকে না সেরকম কোনো ও নিজে নিজেই করতো, কখনো বাবা মা যেটুকু দরকার কি সেটুকু করতাম, বাবা করতো মা আর প্রাইভেট স্যাররা স্কুলে দিদি উনি সবাই ওকে হেল্প করতো। গোজাউনে দার্জিলিং মে শান্তিপূর্ণ উপচুনাও সম্পন্ন হোনে পর পুরে দার্জিলিং কে জনতা সবি রাজনৈতিক পার্টি আর প্রশাসন কো ধন্যবাদ দিয়া হ্যায়। সাথ হি আপিল কি গই কি 23 মই কে দিন ভি সবি লোগ ইসি প্রকার কি শান্তি বনায় রাখেঙ্গে। উল্লেখনীয় হ্যায় কি 23 মই কো মতগণনা হোনি হ্যায়। গোরা মোমো কে তরফ সে প্রশাসন সে আপিল কি গই হ্যায় কি ইস দিন সবি स्कूल दुकान और बजार को खुला रखा जाए। यो काउंटिंग में पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनसाधारणलाई, दार्जिलिङको जनसाधारणलाई, अब यो पोलिटिकल प्रोसेस एउटा प्रोसेस हो अनि यो प्रोसेस अब तुरिसक्यो। सो अब हामी जनता साधारण हामी पनि पार्टीको काडर्सहरु कतिजना आफ्नो आफ्नो काममा पनि लाग्नु पर्छ। पोलिटिक्स मात्रै सबै चीज होइन, आफ्नो संसारिक धेरै अरु कामहरु हुन्छ, आफ्नो पारिवारिक जीवन हुन्छ, आफ्नो
सोसाइटीको जीवन हुन्छ, आफ्नो कामहरू हुन्छ, अब त्यसमा लाग्नुपर्छ। अनि 23 तारिक जुन चाहिँ काउन्टिङमा कुनै प्रकारको के पनि हुँदैन भनेर म यो भन्नु चाहन्छु। गोजामुखका युवा संगठन गोजामुखकी ओर से दार्जिलिङ में पिछले 2 महीनेमा लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दौरान लगाए गए पोस्टरों और बैनरों की सफाई की गई है। युवा मोर्चा अध्यक्ष अमृत योंजन के नेतृत्व में दार्जिलिंग में विभिन्न जगहों के उनके सदस्यों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। गढ़ सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moore, Savok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakimpara, Siliguri, 9933333401. Break ke baad khabre vistar se. जलपाईगुड़ी जिले की छात्रा अनुष्का महापात्रा माध्यमिक परीक्षा में 682 अंक प्राप्त कर जलपाईगुड़ी जिले में प्रथम एवं पूरे राज्य में 9वां स्थान हासिल की है। जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की रहने वाली अनुष्का जलपाईगुड़ी जिले के आसानाता स्कूल की छात्रा है। उसके पिता जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं। एग्जिट पोल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी बेचैनी। प्रियंका ने अपील करते हुए कहा कि हिम्मत नहीं हारिए, स्ट्रांग रूम पर डटे रहें। लोकसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एक बार फिर भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के सामने आने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहने की अपील की है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। कार्यकर्ताओं को जारी ऑडियो संदेश में प्रियंका ने कहा कि आप लोग अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, यह अफवाहें आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही है। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर डटे रहिए और चौकन्ना रहिए। लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आने के बाद दिल्ली से कोलकाता तक हलचल, एनडीए व विपक्ष की बैठक आज। एग्जिट पोल के दावे के बाद राजनीतिक हलचलों में तेजी आ गई है। एनडीए जहां नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी के अनुमान से गदगद है, तो यूपीए 23 मई के इंतजार के मूड में है। सोमवार को एनडीए व यूपीए दोनों ही खेमों में भेंट मुलाकात का दौर जारी रहा। इस कड़ी में
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें ताजा हालातों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भी मंगलवार को दिल्ली में मिलेंगे और भावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में सोमवार शाम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में भेंट की। त्रिशंकु परिणाम की स्थिति में दोनों ने केंद्र में गैर एनडीए सरकार की संभावनाओं पर भी चर्चा की। 45 मिनट तक की बातचीत में कांग्रेस के समर्थन से विपक्षी दलों की संभावनाओं पर गुफ्तगू की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी से फोन पर बात की। 21 विपक्षी दलों के नेता वीवीपैट के मुद्दों पर भी मंगलवार को चुनाव आयोग से मिलेंगे। राज्य सरकार के द्वारा 2 महीने तक स्कूल बंद रखने के निर्णय के विरोध में नागरकटा सुल्कापाड़ा स्थित नागरकटा हिंदी हाई स्कूल और नागरकटा बंगला हाई स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक रैली निकाल कर जल्द से जल्द स्कूल खोलने की गई मांग। कालिम्पोंग कृषक संगठन के मुख्य सचिव विष्णु छेत्री ने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के द्वारा कृषकों के लिए किए गए कार्यों का जमकर सराहना किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखरी है और एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में आने जा रहे हैं। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने एक नई किताब में कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना की विचारधाराओं में एक है, लेकिन यह भाजपा के हिंदुत्व से अलग है। हमारी विचारधारा मध्यमार्गी हिंदुत्व की ही है, लेकिन यह दक्षिणपंथी मध्यमार्गी है। उन्होंने कहा कि हम व्यापारिक हैं और रात के समय घूमने की आजादी, इलेक्ट्रिक बसों और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एस्केलेट के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।